अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। गर्मियों की मुझे बहुत सारी बातें जो बहुत बुरी लगती हैं, उसमें से एक बात, छोटी सी बात जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जो गर्मियों के कपड़े होते हैं, जो लॉन होता है, जो प्यारे प्यारे खिले खिले कलर्स होते हैं वो आप पहनते हैं। आप वैसे ही चाहे जितनी हबड़ दबड़ में हो, जितनी जल्दी आ रहे हो, जैसे आपको मेरे बालों की हालत से पता चल रहा होगा, इन कलर इतना खूबसूरत होता है, इतना ब्राइट होता है कि वो थोड़ा सा कवर हो जाता है, अच्छा लग रहा होता है, वैसे भी अच्छा महसूस करते हैं। आगे पीछे भी आपको जो फूल, और स्पेशली इस्लामाबाद में जब आप बाहर निकलें तो जो नज़ारे नज़र आ रहे होते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि आपका मूड वैसे ही अच्छा रहता है। आगे जाके ये मूड थोड़ा ख़राब होने वाला है, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे और तेज़ धूप होगी और इस तेज़ धूप में आपने गाड़ी चला के जो है काम पे जाना होता है, तब फिर मूड थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है ना, थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो आजकल का जो मौसम है इसको खूब इंजॉय करें, जो जो टाइम आपके पास अभी है इसको फुल जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं। वीकेंड पे हमेशा कहते हैं आउटिंग पे जाएं, अच्छी बात होगी। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ होंगे मोहम्मद अफजल सिद्दीकी, जो कि रीजनल मैनेजर है नॉर्थ फॉर EFU, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस है, और इनके एक्सपीरियंस के बारे में, उस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, आपको इससे आगाह करेंगे क्यों ज़रूरी है, क्या है, लेनी चाहिए कि नहीं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस। हमारे साथ होगी एंजल सैलून की पूरी टीम, और आज जो है हम बात कर रहे हैं कॉमन मिस्टेक्स इन मेकअप की, कि हम लोग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख के, बहुत सारे शोज़ देख के, अब तो हर टीवी शो पे आपको मेकअप करना सिखाया भी जा रहा है, कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़, हम लोग जब घर में वो मेकअप करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मेकअप की कुछ तो टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने लिए पर्सनलाइज करनी होती हैं कि ये मेरे ऊपर, अगर किसी ने एक बेस लगाई है तो बेस आपकी डिफरेंट होगी, अगर किसी ने एक तरह का लाइनर लगाया है, आपकी आंख उससे ज़्यादा डिफरेंट है तो वो लाइनर डिफरेंट होगा। तो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हम मेकअप में करते हैं, और उनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं, और बेहतरीन मेकअप जो आप वो कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ होंगी हम सबकी बहुत ही प्यारी सी, मैं उन्हें होस्ट भी कहूँगी, उनको मैं शेफ़ भी कहूँगी, उनको मैं मेकअप आर्टिस्ट भी कहूँगी, स्टाइलिस्ट भी कहूँगी, इसके अलावा बहुत से चैनल्स उन्हें देख चुके हैं और वो एक्टिंग भी जो है कर चुकी हैं, मीडिया में उन्हें 13 साल हो गए हैं। हमारे साथ होंगी नाजिया मलिक, तो उनसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे, और आप मुझे पता है आप लोगों को उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स और जो टोटके होते हैं वो भी बड़े पसंद आते हैं, तो उनसे इस पर भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि घर में खुद जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो किस तरह हम वो जो टीवी वाली लुक है, अब तो हम पार्लर वाली लुक कहते भी नहीं ना, सैलून वाली लुक भी नहीं कहते, जो टीवी वाली लुक है जो वहाँ पर इतनी हसीन सब दिख रही होती है, वो हम कैसे अपना सकते हैं। इसके अलावा उनसे भी उनके करियर के बारे में जो वास्ट एक्सपीरियंस है उस पर भी हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद आप सारे रीजनल मैनेजर नॉर्थ फॉर EFU इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये पिछले 33 ईयर्स से हैं। 1985 में इन्होंने एज एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट अपना करियर जो है स्टार्ट किया, और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे से आगे बढ़ते गए हैं। EFU लाइफ इन्होंने सितंबर 2010 में एज अ ब्रांच मैनेजर जो है फॉर रावलपिंडी रीजन ज्वाइन की थी, और अब जो है इसको ब्रांच भी ग्रो की है साथ साथ ही, EFU इंश्योरेंस भी ग्रो की है साथ साथ, और अब जो है ये लीड कर रहे हैं एक टीम ऑफ 50 मैनेजर्स को विद अ सेल्स फोर्स ऑफ 500+ कंसल्टेंट्स, जो कि रावलपिंडी, पेशावर, स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, मुजफ्फराबाद और KPK में इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने आते ही आपसे बात की ना, कि आप लोग यू आर सो गुड एट कन्विंसिंग पीपल, एंड वाकई ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ भी है इंश्योरेंस होना, तो ये वाली ट्रेनिंग कहाँ से आती है सर? पहले सर हम इनफॉर्मल बात से स्टार्ट करते हैं। नहीं बिल्कुल, बात ये है बेसिकली कि चूँकि हमारा जो बिज़नेस है वो लोगों के साथ, इसके लिए दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारी फील्ड फोर्स है उसके पास एक तो विल होनी चाहिए बिल्कुल, और दूसरी स्किल होनी चाहिए। विल एंड स्किल, दोनों विल एंड स्किल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर सिर्फ विल है और आपके पास स्किल नहीं है तो तब भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, और सिर्फ स्किल है और विल नहीं है तब भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए दोनों चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है वो कहा जाता है कि मुश्किल तीन प्रोफेशन है, मोस्ट डिफिकल्ट, मुश्किल, लोगों से ज़रा कि हमें ज़्यादा नो सुनना पड़ती है। तो उस हवाले से हमारी जो फील्ड है, स्पेशली फिर जो EFU लाइफ है, वो अपने जो फील्ड फोर्स है उसकी ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है।
क्योंकि जब लोगों के पास जाएं वो, तो वो प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लोगों की, चूँकि हमें नीड इस्टेब्लिश करनी है, तो ये लोगों की जो उनकी शॉर्ट टर्म नीड है, जो उनकी मिड टर्म नीड है, लॉन्ग टर्म, पूरी लाइफ को हमें प्लान करके देना होता है लोगों को। अच्छा सर, मुझे बताइए फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग, ये है क्या, व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस और इससे क्या फ़ायदा होता है एक इंडिविजुअल को? लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली तो आप ये कह लें कि दो चीज़ों का बेहतरीन कम्बिनेशन है, एक प्रोटेक्शन और दूसरा जो है वो जो सेविंग है उसका। अच्छा, प्रोटेक्शन भी इंसान के लिए ज़रूरी है और सेविंग भी इंसान के लिए ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए या स्टैंड ऑफ लिविंग को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल। प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बताऊँ कि प्रोटेक्शन इंसान की नेचर में है। इंसान जब दुनिया में आया तो सबसे पहले उसने पत्तों में प्रोटेक्शन हासिल की, फिर उसने गारों में प्रोटेक्शन हासिल की, फिर उसने प्रोटेक्शन के लिए किले बनाने शुरू कर दिए। इवन मैं ये कहता हूँ कि जो दीवारें चीन है वो भी नॉर्थ के हमलावरों से बचने के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई। तो ये इंसान की नेचर में है। अब भी जो मुश्किल तीन प्रोफेशन हम कहते हैं कि लोग इससे भागते हैं या नो करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो प्रोटेक्शन का उन्हें एहसास है, माली प्रोटेक्शन का एहसास भी है। या आप लोगों के चेहरे स्टडी करें, हर आदमी कल की फिक्र में, कल क्या होगा, मेरे बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, बच्चों की शादी का क्या होगा, या अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है तो उसका, उसको मैं किस तरीके से, वो एक्सपेंस कहाँ से मैं लूँगा, स्पेशली बुढ़ापे में पेंशन का अरेंजमेंट वो मैं कैसे करूँगा। तो प्रोटेक्शन से लोग नहीं भागते, जो दूसरी चीज़ है बेसिकली, लोग बचत से भागते हैं। कि जो बचत है वो करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यानी इंसान कमा तो ले, दो तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में। एक वो लोग हैं जो अर्न करते हैं, सेव करते हैं और खर्च करते हैं, और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो अर्न करते हैं, खर्च करते हैं, फिर सेव, जो रह जाता है वो, जो रह जाता है वो से, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है जिंदगी। तो जो ये बचत के जो तरीकाकार हैं, जितने भी बाकी जो ऑप्शनल तरीकाकार हैं, उनमें आप देखेंगे कि पहले इंसान बचत करता है, बाद में उसका सरमाया तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है। कोई कुछ भी उसने करना है, कोई भी उसकी प्लानिंग है, तो पहले सेव करेगा, फिर उसका सरमाया तैयार होगा, फिर उसका मालिक बनेगा। बिल्कुल। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की ये खूबसूरती है कि पहले सरमाया तैयार हो जाता है। अच्छा, हाउ, कैसे? पहले सरमाया, एक छोटी सी रकम वो अदा करता है और उसको पूरे सरमाए की गारंटी, जो भी उसकी प्लानिंग है, वो बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग है या शादियों की प्लानिंग है या मकान बनाने के लिए प्लानिंग है या पेंशन की प्लानिंग है, तो वो पहले तैयार हो जाता है। बिल्कुल। अब उसके बाद उसने बचत करनी है। बिल्कुल ठीक है, कि वो गारंटी आपको पहले मिल जाती है, वो गारंटी हमें। अच्छा, पहले मिल जाती इसमें, है इसमें इसमें सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें सिर्फ कैश होता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट होता है? जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो मतलब इसमें आपके लिए क्या है, आपके घर वालों के लिए क्या है? मतलब अगर ये मैं एक ऐसे इंसान को समझाऊं जिसने कभी इंश्योरेंस का नहीं सुना पहले, और मैं उसे जाके कह रही हूँ कि आप क्या ये किसी मतलब इसके लिए कोई सर्टन इनकम होनी चाहिए फिर आप ये ले सकते हैं, ये किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल है? जो लाइफ इंश्योरेंस है कम इनकम वाले लोगों के लिए भी है और बड़ी इनकम वाले लोगों के लिए, सब के लिए है। ठीक है, सब के लिए। बेसिक हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि एक शख्स कमाने वाला और एवरेज पाँच अफराद जो हैं वो उसके गिर्द, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, जो पाँच लोग नहीं कमा रहे उनकी भी जरूरियात हैं। वो एक शख्स जो कमा रहा है वो उनकी सबकी जरूरियात को पूरा करता है। बिल्कुल। अब इसमें इशू ये है कि खुदा ना खास्ता जो कमाने वाला शख्स है, यानी उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, डिसेबिलिटी का हो जाए, डिजीज का हो जाए, डेथ का हो जाए, तो वहाँ उस सूरत में दो डेथ होती है ना। बिल्कुल। एक इमोशनल डेथ तो है ही,
लेकिन उसके साथ साथ जो इनकम है उसकी भी डेथ हो जाती है, बिल्कुल फाइनेंशियल, वहाँ पे जो पांच अफराद है उनका मुआशी कत्ल हो जाता है, बिल्कुल, उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनका स्टैंड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, खुदा न खास्ता अगर कमाने वाला नहीं रहा तो ये सोचना ज़रूरी है कि वो किचन कैसे चलेगा, अब बच्चों की एजुकेशन कैसे चलेगी। बिल्कुल, अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा ऐसा है जो छोटे का किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल, जिसको एजुकेशन हासिल करनी थी। यकीनन ये आंसर जो है वो बचत का है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कोई प्लान नहीं किया, ठीक है, अगर वो प्लान करते तो आज वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते थे। बिल्कुल, आज की आने वाली नस्ल में, आज की नस्ल में टैलेंटेड है, बट वो एजुकेशन तभी हासिल कर सकते हैं जब उसके लिए उनके पास कोई फंड मौजूद होगा। बिल्कुल, ठीक है, जिनके पास फंड मौजूद होते हैं, अगर वो बच्चे टैलेंटेड नहीं भी हैं तो तब भी वो एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो बच्चे जो टैलेंटेड हैं बट उनके पास एजुकेशनल फंड नहीं है, एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, उन बच्चों का क्या कसूर है? तो EFU लाइफ इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, ठीक है, इस सिलसिले में EFU ने मैं समझता हूँ कि 5,000 तक अपनी फील्ड फोर्स को बढ़ा लिया है, और हमारी कोई पाकिस्तान के बड़े और छोटे शहरों में 200 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं जो काम कर रही हैं इस सिलसिले में, लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं। ये जो हमारी कैंपेन है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि आने वाले वक्त में वो खानदान अपना स्टैंड ऑफ लिविंग जो है उसको वो मेंटेन रख सके, मेंटेन कर सके, बेहतर कर सके, आगे सेफ हो सके और आप अपनी जिंदगी बेफिक्री से गुजार सके। बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 0.5% है पाकिस्तान में, तो क्या स्टेप्स जो हैं आप लोगों ने लिए हैं कि ये चीज़ इंक्रीज हो जाए, और कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आप ज़्यादा इसको ग्रो करना चाह रहे हैं? देखिए बात ये कि इस पाकिस्तान में बदकिस्मती कह लें कि टोटल 6 से 7 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंश्योरेंस पाकिस्तान में। जापान एक छोटा सा मुल्क है, उसमें 100 से ज़्यादा कंपनी जो हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान में मज़ीद ज़रूरत है, और यहाँ पे हमारी कंपनी जो अपनी फील्ड फोर्स में मज़ीद इजाफा कर रही है, मज़ीद मुख्तलिफ शहरों में अपनी ब्रांचेज ओपन कर रही है, तो ये हमारी कंपनी इस सिलसिले में ये सिस्टम यहाँ पर जॉइन क्लीज किया। अच्छा, EFU लाइफ के लिए ये साल कैसा रहा है, कोई ऐसे मेजर माइलस्टोन्स हो जो अचीव किए हों? मैं ये साल तो अभी जारी है, लेकिन गुज़श्ता साल में EFU ने 31 अरब रुपए का रिकॉर्ड बिजनेस किया है। वाओ। और मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जिनमें बिजनेस मैनेजमेंट है, कस्टमर सर्विसेज है, और जो हमारी ये ब्रांड प्रमोशन है, इसमें नुमाया कामयाबी हासिल की। आप EFU की कारकर्दगी का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EFU ने हेल्थ केयर और एजुकेशन काज के लिए काज को प्रमोट किया है, जिसके नतीजे में EFU लाइफ को जो है वो कस्टमर चॉइस अवार्ड मिला है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिला है। ये जो है सर्टिफिकेट एक्सीलेंस, ये जितने भी अवार्ड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिला है। अमेजिंग, तो ये आपकी सारी CSR एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है EFU लाइफ को, तो मतलब आपकी सारी एफर्ट्स को सराहा गया है। जी बिल्कुल, रिकॉग्नाइज किया गया। मुझे बताइए ये जो 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन है, ये 5वां साल है जो कंसेक्यूटिव इसको चलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या आइडिया है और ये कैसे डिफरेंट है? क्या हर साल इसमें कुछ डिफरेंस होता है या ये वही कैंपेन चलती आ रही है? हमारा जो पहले इसमें थीम था वो लाइफ में कमाल करना ज़रूरी है, ठीक है, और इस साल जो है वो हमारा
जो है लाइफ में प्लान करना जरूरी है। प्लान करना, दिस इज सो ट्रू। आम आदमी ये समझता है कि उसने ज़िंदगी की सारी प्लानिंग कर ली। बिल्कुल। हालांकि ये हकीकत नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि वो अनफोर्सीन जो इवेंट्स हैं वो उसकी प्लानिंग में शामिल नहीं होते। तो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, देन क्या होगा। बिल्कुल। ऐसी सूरत उसके पास प्लानिंग नहीं होती। तो हमने ये किया है कि हमारा जो कमाल लिख कर 9898 पे लोग जो कॉल करते हैं हमें, हमारा कंसल्टेंट जो है उनसे रابطہ करता है और जाप के उनको वो सारी उसकी जो नीड है उसको एस्टेब्लिश करता है, बताता है कि ये आपकी नीड है, उसके मुताबिक उसको प्लान जो है वो डिज़ाइन करके हम देते हैं कि ये आपके लिए जो है वो डिज़ाइन है, प्लान जो है वो है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली इंश्योरेंस की लगती है, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गेटिंग इंश्योरेंस, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हम ज़रा थोड़े से लेज़ी हैं और हम ज़्यादातर लोग जो है कमाते हैं, खर्च करते हैं, जो बच जाता है उसको हम कहते हैं चलो बचत होगी, बचत होगी, लेकिन पहले आपको बचत करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं कि 22, 24, 26, 28 और आप कोई भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, अगर मैं गलत हूँ सर तो प्लीज़ मुझे ठीक कीजिएगा, तो जब तक वो मैच्योर होती है इन 20 ईयर्स, तब आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, तब या उनकी शादी का टाइम है या यूनिवर्सिटी गोइंग जो है उनकी एज होती है, और तब आपको एक बड़ी अमाउंट, एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट चाहिए होता है, जो अगर आपने सेविंग नहीं की तो आपके पास नहीं होता, नहीं होता। फिर आप पढ़ते हैं कर्जों में, फिर आप जो है कोई ना कोई चीज़ या गिरवी रखवाएंगे या बेचेंगे या वो जो सोना इकट्ठा किया है शौक में, मैं तो अपनी फ्यूचर देख रही हूँ, ये सब करेंगे और उसके बाद आप उस चीज़ को इंश्योर करेंगे। तो इंश्योरेंस आपको उन 20s में ही ये बात जो है गारंटी कर देती है कि ये आपकी जो है उस लाइफ के लिए प्लानिंग है। और अब आपने मतलब जिस तरह कमेटी नहीं डाल देते कि अब तो देनी ही देने हैं, देने देने, तो वो आप जो है वो 20 इयर्स और कैसे पता भी नहीं चलता वक्त गुजरता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिक बात ये है कि एक ज़माना वो था कि जिसमें हम अपने बच्चों को बचत की तरगीब देते थे। बिल्कुल। आज वो गला कहाँ पर है जिसमें हम पैसे डालते थे, हमें पेरेंट्स बताते थे कि ये इसको पैसे को बचाना भी है। बिल्कुल। आज हम वो नहीं बता रहे अपने बच्चों को कि आपने सेविंग भी करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जो जो एज बढ़ती है वैसे वैसे जो उसकी जो प्रीमियम है वो हाई होता जा रहा है। बिल्कुल। अर्ली एज में एक तो आपको कम पैसों में एक बड़ा रिस्क कवरेज, बड़ी इंश्योरेंस मिल सकती है, एक तो ये फैक्ट। फिर अर्ली एज में मेडिकली इंसान ठीक होता है। जब इंसान की एज ज़्यादा होती है, जो ही 40 क्रॉस करता है तो बीमारियां भी ज़्यादा हमला कर देती हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से प्रोटेक्शन भी उसे जरूरी है हासिल करना। सॉरी सर, मैं इंटरप्ट करूंगी, ब्रेक का जो है वो टाइम हो रहा है। आई थिंक हमने आज तक जो अभी तक जो आपको जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, दे शुड बी इनफ कि आप जाइए इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाएं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप सारे वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मुझे ज्वाइन किया यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी चिरपी लेडीज़ ने, और पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आप सबकी बहुत फेवरेट, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चाहे उन्हें शेफ़ कहें, चाहे उन्हें होस्ट कहें, चाहे उन्हें एक बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस कहें, चाहे उन्हें आप जो है जो आपको मशवरे देती हैं, जो टोटके बताती हैं उसकी क्वीन कहें, चाहे उन्हें मेकअप आर्टिस्ट कहें, सब कुछ ही उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे साथ नाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम गुड। नाज़िया आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सो हैप्पी। मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा था कि मैं किस दिन जो है आपके शो में आऊँगी। हाँ, मैं हर दफ़ा लास्ट टाइम भी आना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ ना कुछ बात हो जाती है कि मैं नहीं आ सकी, बट दिस टाइम आई एम हियर। यू आर नॉट बेस्ड इन इस्लामाबाद, राइट? नो, मैं कराची से आई हूं। कराची में बेस्ड, तो मेरा एक दिन का स्टे था, बस शाम में मैं चली जाऊंगी। तो बस मैं, मुझे समझ आ गई फॉरन, क्योंकि यहाँ पर यूजली लोग जो है ना आते हैं, उनके साथ में या ट्रिप होता है घूमने फिरने का या कुछ बना लेते हैं। मेरा चित्राल का ट्रिप था ना, मैंने 8 दिन चित्राल में गुजारे, वॉज वंडरफुल। चित्राल में बड़ा मजा आया, एंड आई वॉज ऑल अलोन। अच्छा? मतलब ये नहीं कि मेरे साथ दोस्त या ये या कोई लोग थे, सोलो ट्रिप अकेले एंजॉय किया मैंने बहुत ज्यादा। इससे तो मैं कुछ, कुछ फैमिलीज हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो इस वजह से बताते थे वहीं पर ही दोस्त वगैरह मौजूद थे ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इट वाज वंडरफुल ट्रिप। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, इस ट्रिप के बारे में भी पूछूंगी, मैं साथ इंट्रोड्यूस करूंगी एंजल सैलून की पूरी टीम हमारे साथ है। मैं साथ है रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक।
शुक्र है अल्लाह का। अच्छा आज का टॉपिक मजे का लगा है ना? बहुत मजे का, और आप बहुत ज्यादा मजे की लग रही हैं। इतनी प्यारी फ्रेश पिंक में बहुत अच्छी। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपको, यू आर वेरी प्रिटी, पता मैं कहने लगी मैं इतनी फ्रेश हो, मतलब आप जब स्क्रीन पे देखते हो सामने देखते हो ना तो पता चलता है यू आर वेरी फ्रेश एंड वेरी प्रिटी माशाल्लाह। मेरे को तारीफ बर्दाश्त नहीं होती, उनसे मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूँ कोई तारीफ। तुम तारीफ बर्दाश्त भी करो और तुम अपना खून भी बढ़ाओ। अब मैं ऐसे रहूंगी, मैं उस दिन मैं बता रही किसी को, मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है सफीना, तो उसी से मैं चीजें वीजें जो होती है ना कुछ मुझे पसंद आ जाए, सफीना मुझे ये ला के दे दो, लैशेस बड़ी प्यारी प्यारी लेकर आती है सारा कुछ, तो उस दिन वो मेरे लिए लेके एक बड़ी प्यारी सी रिंग, तो मैंने वो पहन ली ना, तो मैंने कहा अब मुझे बाकी लोग सुनाई नहीं दे रहे हैं, मुझे बाकी लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ना, ये मेरी तारीफ हो गई है तो बिल्कुल यू नो मैं अलूफ हो गई उससे। तो ये होता है ना कि बचने के लिए मैं लोगों को कहती हूँ ज्यादा तारीफ ना। नहीं नहीं तारीफ, और ऑनेस्टली एक इंसान का होता है ना कि तारीफ में, देखो मेरा या इनका काम थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें ब्यूटी का बड़ा काम होता है, और मैं तो कहीं पे बैठे बैठे भी मैं बता देती हूँ कि भाई यार ये कर लो, यार बुरा लगे अच्छा लगे मैं एक्सक्यूज करके कहती हूँ इस तरह कर लें, स्किन को यूं कर लें, और लोग मशवरे ले भी रहे। नहीं मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको बता दें कि आपके दांत पे लिपस्टिक लगी हुई है, बजाय इसके कि वो आपके साथ तस्वीरें भी खिंचवाए और वो आपके साथ हाहू घर आप जाए तो घरेलू और पूछा भी उनसे क्या करते हो क्या खाते हो किस तरह का, तो उनको मशवरे दिए, मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसे होते हैं मशवरे देते हैं, ताकि क्योंकि मुझे शौक है कि हर कोई खूबसूरत लगे, अल्लाह ने हर एक को खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसको ग्रूम भी करे, खूबसूरत लगे खूबसूरत फील करे, फील करे खूबसूरत हर कोई है, लेकिन उसको अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाने, मतलब और ज्यादा ग्रूम करे वाली बात होती है ना कि कोई लोग देखें तो दिखने में खूबसूरत, क्योंकि अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, तो हमें अपने आप को अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात कह रही है, बिल्कुल ऐसे, इसीलिए मैं हर दफा कहती हूँ कि हम यहाँ पे टोटके बताते हैं, ब्यूटी टिप्स बताते हैं, इसका मतलब नहीं कि इसी से आप खूबसूरत होंगे, खूबसूरत है अपग्रेड कर, मजीद अच्छे लगे। आप एक चीज को ऐसे छोड़ दोगे कि आपने खूबसूरत सा घर बना लिया, ठीक है अल्लाह ने आपको घर दे दिया सब कुछ, अब आप उसे छोड़ देना, उसकी सफाई करें ना कुछ करें, जाले भी लगे ये भी है वो भी है, तो वो ब्यूटी तो नहीं रही ना। दैट मींस कि आपको एक चीज मिली है, अल्लाह की नेमत मिली है, लेकिन आपने उसका ख्याल नहीं रखा, तो हम अल्लाह की नेमत है तो हमें अपना ख्याल रखना जरूरी है। इतने इतने खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा आप मुझे टोटकों के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ मैं कह रही थी कि टोटके ठीक है, बहुत सारे आजकल टोटके आ रहे हैं, सब लोग सुन भी रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा तो मुझे ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ इंजॉय करते हैं सुनते हैं, हम तो अप्लाई भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ टोटके जो मतलब स्क्रीन पर बताए जा रहे होते हैं, तो उनसे ये भी गुजारिश है कि आप टोटके तो बताते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जिस एक मैंने टोटका सुना था, उन्होंने बताया कि आपने इसमें चावल का आटा डालना है और इसमें आपने पता नहीं कोई एक दो चीज़ें और डालनी है, कोई पेस्ट वगैरह था वो डाल के आप इसे बस इसे घोटें और लगा लें। द थिंग इज दिस कि आपने ये नहीं बताया कि कौन सी स्किन टाइप के लिए, अब वो जो चीज बता रही थी ना वो ड्राई स्किन के लिए जहर था, बहुत नुकसानदेह चीज थी। अब जिसने वो टोटका बताया उसने ये नहीं बताया कि इट्स फॉर ड्राई स्किन, इट्स फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, इट्स फॉर ऑयली स्किन, इट्स फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्किन। तो जब भी टोटका बताएं पहले आप स्किन टाइप के लिए बताएं कि ये स्किन टाइप के लिए, मैं जब भी ऑन एयर कोई चीज बताती हूँ मैं कहती हूँ ये ड्राई स्किन के लिए, मेरी स्किन ड्राई सो दिस इज गुड फॉर मी, अगर आपको इसको ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल करना तो आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इवन बालों का स्कैल्प जो है ये भी जानती होगी, स्कैल्प आपकी ड्राई है, स्कैल्प आपकी ऑयली है, तो आप उसके हिसाब से आप बताएं कि ये इस स्कैल्प के लिए आप ये चीज यूज करेंगे, इसके लिए आपने ये वाली चीज यूज करनी। अच्छा आपने बहुत अच्छी बात की नाज़िया, क्योंकि कल ही मुझे कोई बता रहा था कि किसी के सर के ऊपर ऑलरेडी जो है एक कंडीशन थी कोई, जिससे उसे फंगस हुई हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, उसके ऊपर उन्होंने वो टोटका सुन के कि प्याज का पानी लगाते हैं, वो लगा के तो उन्होंने अपनी हालत खराब कर दी। अब कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की है, ज्यादा जिम्मेदारी चले हम लोगों की है कि हम आपको बताएं कि ये करना है वो नहीं, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बता रहे हैं कि ये बेहतरीन सा मास्क है, इसमें आप लीमू डाल दें, इसमें हनी डाल दें, इसमें ये डाल दें, तो आपके मुंह पे कट लगा हुआ है या दाने निकलने में, तो कॉमन सेंस है कि उस कंडीशन के ऊपर आपने नहीं लगाना। मैं एक बात बता दूं, देखो बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, होती है बिल्कुल, ठीक है, ये सब बातें जो अभी आपने बताई है ना ये हर होस्ट को चाहिए कि वो बताए, हाँ बिल्कुल हर होस्ट को चाहिए कि वो बताए कि आपके मुंह पे दाने हैं तो ये, या
ये चीजें जो है ना, देखें हम सिर्फ कॉमनली जो है ना टोटकास यूज बताना शुरू कर देते हैं और पता है लोग हर कोई अप्लाई भी करना शुरू और हर कोई अप्लाई भी करता है और उससे नुकसानात भी हो रहे हैं। मुझे बहुत प्यारे लगते हो आप सारे, मुझे बड़े मासूम लगते हैं, मुझे इतने क्यूट लगते हैं क्योंकि मेरे घर में भी कुछ इस तरह के बाशिंदे हैं। टीवी वाली बाजी ने कहा था, तो टीवी वाली बाजी ने कह दिया पत्थर पे लकीर तो नहीं होगी, खुद तो देख लो अपनी शक्ल की पहले क्या हालत है, भरोसा करते हैं। टीवी वाली बाजी ने कहा, तो बड़े आप लोग प्यारे होते हैं लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी हम आपको समझाएं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ये जो इतनी प्यारी सी दो शीजाएं यहाँ पर, दो 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 शीजाएं जो यहाँ पे सारी बैठी है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दें ताकि फिर जब आप मेकअप कर लेंगे फिर हम उसके अंदर नुकता चीनी करें और आपको बताएं क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। अपनी मॉडल्स को कहा है कि अपना मेकअप जो है वो स्टार्ट करें, वी आर गोइंग फॉर एन एवरीडे लुक, जो आप जो है अगर कहीं किसी फंक्शन पे भी जाना पड़ जाए थोड़ा सा तो आप यही वाला जो है ना चेहरा लेकर जा सके, मैं यही बूटी लेकर जा सके, ठीक है ना, बिल्कुल यही वाला चेहरा लेकर आप उधर भी जा सके और कोई ये ना कहे कि ये बेड से उठ के, और लोग जाते भी हैं फिर। अब तो बहुत ऐसे हो गया, अब तो मुझे लगता है इतनी अवेयरनेस, मैं शो पे ना एक दफा मेरी दोस्त की शादी थी तो हम इतने थके हुए होते थे इतने ज्यादा कि मैं रात को वलीमा अटेंड किया है और क्योंकि संडे को यूजुअली वलीमा होता है तो मैं उसी मेकअप के साथ आई स्लेप्ट, मैं सुबह शो पे आ गई और थैंक्स टू ये जो नई नई बेसेस और वो जो ग्लू की मैं बात कर रही थी कि एक चीज आपके मुंह पे नहीं हिलती सिर्फ वो जहाँ पे हल्के हल्के से आपको लगता है ना कि वो क्रैक्स पड़ गए उसको थोड़ा स्मूथ करो, लिपस्टिक लगाओ, बिल्कुल आज और किसी को पता चला कि मैं रात के मेकअप में जो मेरे का मुझसे ये मेहनत दोबारा होगी नहीं कि मैं अभी पूरा मुंह और मैं सुबह दोबारा लेट हो रही हो फिर आप मिटाओ फिर आप दोबारा करो। बेस अच्छा होना जो क्वालिटी वाला हो तो आपकी स्किन खराब भी नहीं होती, खराब भी नहीं। अगर आपने ऐसा बेस इस्तेमाल किया जो क्वालिटी वाला नहीं है तो फिर आपकी स्किन जो है ना उसका फिर हम कोई अच्छा मैं ना मुझे पता है मैं लॉजिक देती हूँ लोगों को, मैं कहती हूँ एक सूट आप लोग जब खरीद रहे होते हैं कि अच्छा यार कमेटी पार्टी है मैंने इधर जाना है उधर तो एक सूट के ऊपर लगा देते हैं 5-6 हज़ार रुपए, तो मैं 5-6 हज़ार में एक ऐसी बेस ले ले जो 6 महीने रहेगी साथ। एग्जैक्टली है ना? देखो बेस के साथ साथ जो आपका मेकअप का जो इम्पोर्टेंस जो होती है ना वो ये होती है कि आपने अपनी स्किन प्रोडक्ट्स भी अच्छी लेनी है, स्किन की सफाई अच्छी करें। आपने मेकअप कर लिया स्किन की सफाई नहीं की तो देखो मेकअप खूबसूरत भी नहीं लगेगा जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं है। स्किन स्किन केयर जो है सफाई की बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है रोज के लिए? बहुत लड़कियां मुझे आजकल मिल रही हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहती हूँ कि पानी बहुत पिए, फिर अपनी स्किन टाइप देखें, वही वाली बात स्किन टाइप देखना जरूरी, चाहे आपकी बेस हो चाहे आपका मेकअप हो, आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर मैं इस्लामाबाद वाला मेकअप कराची में करूंगी तो नहीं चलेगा, नहीं चले। और कराची वाला मेकअप इस्लामाबाद में करूंगी नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। तो अपने वेदर अपनी स्किन के हिसाब से पहले तो आपने ये देखना है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी स्किन के लिए। दूसरा कि सफाई इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। ड्राई स्किन वाले किस तरह से सफाई करें, कोई भी ऑयली बेस जो है वो क्लेंजर यूज़ करें जिसमें आपका जो है ऐसा क्रीमी क्लेंजर भी आ जाता है वो आप ऑयल सबसे बेहतरीन है, बिल्कुल ऑयल भी अच्छा है लेकिन बाज़ लोगों की स्किन रिएक्ट कर जाती है। अगेन यू हैव टू नो व्हाट्स योर स्किन, स्किन टाइप जब तक आपको नहीं पता होगी ना ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। मैं प्रेफर ये करती हूँ कि आप ऑयल के साथ थोड़ा सा क्लेंजर जरूर लें क्योंकि क्लेंजर में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिससे आपकी स्किन कम्प्लीटली साफ, जो आपकी अंदर पोर्स तक आपको साफ करेगी। तो अगेन वही वाली बात है, ये मैं कराची वालों के लिए बताऊंगी। अब इस्लामाबाद वालों के लिए ऑयल रियली गुड क्योंकि यहाँ ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम ड्राइनेस। अब आप ऑयल यूज करोगे तो इज गुड। तो उसके बाद फिर आपने अपने स्किन को सफाई अच्छी रख के आपने उसको फेस वॉश अच्छा इस्तेमाल करना है। कॉटन से उसको आप जो क्लेंजर लगाएं तो उसे आप अच्छी तरह कॉटन से राउंड 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 करते हुए उसको आप साफ करें। आंखों के लिए जब आप मेकअप लगाते हैं तो प्रॉपरली आई मेकअप रिमूवर यूज करें, बिल्कुल। फिर आप कोई भी चीज यूज करेंगे ऑयल इज बेस्ट, लेकिन आई मेकअप रिमूवर से होगा कि आपके अंदर तक जो आपने मस्कारा तक लगाया वो भी सब चीजें आपके जो है ना प्रॉपरली रिमूव होगी। फिर आपने मॉइस्चराइजिंग भी अच्छी करनी है क्योंकि अब आपने इतनी ड्राई चीजें कर ली हैं उसको कि अपनी स्किन को आपने बिल्कुल वो करा है, सफाई करी है, फिर आप अच्छा इसके ऊपर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी यूज करें और फिर आप
रात नाइट क्रीम या रात के लिए कोई मॉइस्चराइजर जरूर लगे, क्योंकि सब सुबह उठेंगे ना यू विल फील सो गुड, सो गुड ट्रू। वो आप रात में कुछ नहीं लगाते हैं ना, हाँ। आपकी सुबह स्किन ऐसी डेड सी लग रही होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसको वो रिपेयरिंग एजेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, वो रिपेयर ही, और रात को ही तो आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है, बिल्कुल। अच्छा, और एक टिप जो मैंने आजमाई है, इट्स वेरी गुड, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे ना आई बैग्स का बड़ा मसला है, कि वो आप कवर तो कर लो, सर्कल्स भी कवर कर लो, हर चीज, कितना भी यहाँ पे ब्राइटनिंग एजेंट लगाओगे ना, अगर वहाँ पे थैला सा बना हुआ वो नहीं होता। तो आप ना अपनी जो आई क्रीम है अगर कोई, या अगर आप आई क्रीम, वैसे तो आई रेकमेंड कि आप आई क्रीम यूज करें, लेकिन अगर आप नहीं करते तो फेस क्रीम को फ्रिज में रख दे। अच्छा, जब वो आप ठंडी लगाते हैं ना उससे वो उसी वक्त एकदम से रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। क्या अगर साफ सुथरा चमचा, प्लीज जो चीज आपके फेस पे जा रही हो साफ जरूर होनी चाहिए, अलग रख लो ना, साफ सुथरा जो स्टील का चमच होता है ना वो अगर आप एक दो मिनट के लिए आंख के नीचे रखें तो आपके वो बिल्कुल जो है ना आई बैग्स बैठ। अच्छा, एक और चीज भी, ये तो है ही है, मैं जो अपने लिए करती हूँ, मेरी आंखें बस सूज जाती हैं सुबह ना। अच्छा। मैं क्या करती हूँ, ठंडा पानी लेकर ना उसे अपनी आंखें साफ धो लेती हूँ, तो वही मैं देखे मेरी आंखें एकदम से खुल जाती है उससे, तो ये भी एक अच्छा है, आप वाला भी बहुत जबरदस्त आइडिया, ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। एक मुझे किसी ने, असल में हुदा ब्यूटी को मैं बड़ा फॉलो करती हूं, तो उसकी एक टिप थी, लेकिन वो टिप ना मुझे देख के, वो क्या कहते हैं चीजों को जाया करने को, सीन से जो वर्ड होता है, हाय अल्लाह जी, बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया, जैकम साहब आप जरा बताएगा, सीन से एक वर्ड होता है ना वो, जो आप कहते हो कि ये तो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा काम है। खैर एनीवे, वो बात मुझे बिल्कुल, उसमें वो करती क्या है, वो कहती है कि जहाँ पर भी हम रहते हैं तो वहाँ पर, इवन चाहे वो दुबई का है तो दुबई का पानी, कराची का पानी, ये खारा पानी होता है, तो जब आप इससे बाल धो रहे हैं तो आप सोचिए कि आप कॉन्स्टेंटली अपने बालों के अंदर सॉल्ट डाल रहे हैं, जिसका मतलब आपके बाल ड्राई होंगे, ठीक है। और हम शैम्पूज वगैरह चेंज करते हैं, सल्फेट से जान छुड़ाते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, तो हमारा पानी जो है वो ही ठीक नहीं है। तो वो क्या करती है कि वो नहाने के बाद एक बॉटल मिनरल वाटर की जो होती है ना, उससे अपने बाल जो है वो धोती है। तो मैंने ये पढ़ी, पर मैंने कहा नहीं यार ये मैं नहीं कर सकती, तो इतना मैं, अच्छा, नहीं, I do this. इतना मैं जाया नहीं, नहीं, बिल्कुल जाया नहीं होता, देखो क्योंकि एक बॉटल भी नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक बॉटल तो उन्होंने ज्यादा कह दिया है, इट्स जस्ट एक वन ग्लास, हाँ, डोंगा होता है ना जो हमारा, जो हम अपनी जबान में जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत होता है। अच्छा, उससे ना एक दफा वो कहते हैं अगर आप पानी रिंस आउट कर लेना तो वो आपके पानी में से वो सारी सॉल्ट्स भी निकल जाती है। अच्छा, इसके लिए एक और चीज भी मैंने जो अब आजकल जो करना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद जो चीज करती हूँ, मैं कहती हूँ आज एक कॉल है, कॉल लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो प्यारी सुंदर? मैं ठीक हूँ प्यारी सी आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज तो आपका शो इतना जबरदस्त हो रहा है क्योंकि इसमें नाजिया आई हुई है ना। थैंक यू सो मच। लेकिन नाजिया कितना ना रंग लेकर आई, ऐसे जो चिड़िया नहीं होती, मुझे ये बहुत पसंद है, और ये जब मॉर्निंग शो करती थी तो मैं इनका शो में तकरीबन रोज कॉल करती थी। नाजिया को बाहर लेके जाए फौरन यहाँ से। नहीं, अब देखो मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सी, कोई नहीं, किसी की कुर्सी नहीं जाती है कहीं पर भी। सुंदर तो खुद बहुत अच्छी है, और इनके शो में भी मेरी रेगुलर कॉल होती है, और मैं इनके शो को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत जबरदस्त शो करती हूँ, और मैं जी, और मैं पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन कि मेरी पफी आईज हैं, तो इसके लिए मुझे बताएं कि मैं मेकअप करती हूँ तो वो ऐसा लगता है जैसे हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, तो कुछ इस तरह की टिप्स हैं कि बाहर की तरफ निकल रहा होता है ऐसे लगता है मेकअप? जी बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ इतना सा बताओ कि आप जब बेस यूज करते हो तो आप सेम बेस इस्तेमाल करते हो आंखों के नीचे और जिस बाकी स्किन पर? जी बिल्कुल सेम ही होती है मेरी बेस। अच्छा, एक बस छोटे से आप एक टेक्निक कर लो, भी हम आपको ऑन एयर ही बता देते हैं, ठीक है? और पफी आईज है आपको, वो तो तुमने इतना अच्छा टोटका बताया अभी, वो उसके ऊपर चमचे जो है ना, ठंडा चमचा लगाओ आंखों के नीचे। अभी आपने सुना था आयशा जो अभी सुंदर ने बताया? चलो वो भी बता देना दोबारा, और मैं बताती हूँ कि जब भी आप बेस लगा, देखा हम वैसे तो कहते हैं यूजली कंसीलर, कंसीलर हर आंख के लिए नहीं होता, क्या आपने हर आंख के नीचे, क्योंकि बहुत केकी हो जाता है कंसीलर समटाइम, तो व्हाट आई यूज किया, जब आप जो है जो लॉन्ग लास्टिंग जो बेस होते हैं हमारे, अगर आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, थोड़ा सा आपने बेस जो है ना यहाँ पर लगा, लिक्विड बेस की बात नहीं करी, उस बेस की जो जो लॉन्ग लास्टिंग होता है आपका, आपने थोड़ा डार्क रंग का लगाना है, डार्क, थोड़ा सा आपने डार्क रंग का लगाना है यहाँ पर अपने जो आपका नॉर्मल बेस जो आप लगाते हैं। अच्छा, जब भी आप आंखों के नीचे कोई चीज़ लगाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ तक लेकर जाएं, ताकि वो एक लगे, फिर आप उसके ऊपर दूसरा जो अपना नॉर्मल बेस है पूरी स्किन पर आप यहाँ 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 लगाएंगे, तो फिर वो जो है ना पूरा वो कवरेज भी हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी पफीनेस जो नजर नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ उभर रही होती है उसको दबाने के लिए आप क्या करते हैं कि डार्क कलर लगाते हैं, जैसे कंटूर्स। एक दफा मैंने, क्योंकि नई नई टेक्निक्स कर रहे होते, एक टेक्निक मैंने ये यूज की थी कि बहुत लड़कियों की ना आंखें जो थी वो, एक तो बहुत रिंकल्स भी थे और बहुत ज्यादा उनके जो है ना डीप
स्पाइस थी, तो उस पर क्या किया कि उस पर मैंने जो है ना ज़रा सा डार्क कलर लेकर ना हल्का सा उसके नीचे, मतलब लोग हल्के छुपा रहे होते हैं, मैं उनके हल्के से हल्के बना दिए। अच्छा, तो जब बनाए तो वो ऑटोमेटिक, मतलब ये नहीं कि यहाँ तक हल्के बना दिए, मतलब थोड़ा सा जो कॉन्टोर्ड था ना वो नीचे तक ले गई थी, तो उससे उनके वो भी छुप गए, क्या कहते हैं, लाइंस भी छुप गई, और जो डीप आईज थी क्योंकि उस पर ऑलरेडी हमने लाइट कलर लगाया हुआ था, मतलब उसको हमने कंसील किया हुआ था, तो वो भी बैलेंस हो गया। तो हर चीज़ की टेक्निक्स होती हैं, तो ऑल डिपेंड्स का आपके आँख की शेप क्या है, फेस की शेप क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, आपका स्किन कलर क्या है, हम आपको भी सब कुछ बताते हैं। एक दफ़ा ज़रा हम अपनी जो है यहाँ पे खूबसूरत दोशीज़ाओं को देख लें, और क्या कहते हैं, हम कॉमेंट्स ले सकते हैं, हम सब हैं हमारे पास टाइम। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से सिर्फ हम कॉमेंट्स ले लेते हैं कि क्या गलतियाँ हैं इसमें, फिर मैंने इनको जाके कहना है कि चेंज करके आए फेस अपना, फेस तो नहीं चेंज हो सकता, धो के आए और हम फिर आपको यहाँ पर प्रॉपर मेकअप करके दिखाएंगे। जी पहले बता दें, फिर मैं बता देती हूं। मेरे हिसाब से तो आईज जो है ना इनकी, एक तो हुडेड आईज है, वो उसमें इन्होंने जो डेप्थ दी है वो जरा बाहर ज्यादा निकाल दी है। अच्छा, वो गलत है। लिपस्टिक जो है वो भी कलर, इनका चॉइस गलत होगी मेरे हिसाब से। ठीक है। बाकी कंटोर फेस जो है वो हेल्थी फेस है, उसके ऊपर कंटोरिंग नहीं की बिल्कुल भी और शेप नहीं बनाई, और काजल भी लगाया मेरे ख्याल में। हाँ, काजल भी लगाया, तो थोड़ी समर लुक के लिए लाइट आईज अच्छी लगती हैं, हल्की सी कंटूर आईज को करें तो मेरे ख्याल में काफी होगा। अच्छा, बेस तो मुझे लगाई है, बेस बीबी बेस लगाई है, बीबी क्रीम टाइप लगाई है ना, फाउंडेशन लगाई है। कह देती बीबी क्रीम लगाइए, बचत हो जाती। कोई नहीं चीज़। और दूसरी जो बच्ची है उनका मेकअप जो है वो कदरे बेहतर है। लाइट कलर लगाने की वजह से ग्रे में चेंज हो गई, और अभी भी ग्रे का शेड नजर आ रहा है। आप बताइए। अच्छा, अब फर्स्ट इनके लिए के एक्सट्रीम ड्रूपी आईज हैं, एक्सट्रीम ड्रूपी और पफी आईज भी हैं, लाइक ऊपर से बड़ा इनका जो है ना ये चीज़ जो है ना उभरी हुई है, इनको तो बिल्कुल मैं कहूँगी आई शेड आप लगाएं नहीं। अगर लगानी है आपको आई शेड तो जस्ट वन कलर जो हल्का सा आपको, चाहे आप डार्क दें लाइट दें, वन कलर आई का आपका होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप ये जो कॉर्नर बनाने के, मैं सब लड़कियों से कहूँगी प्लीज़ कॉर्नर बनाने के चक्करों में अपना जो है आप मेकअप मत ख़राब किया करें, सेफ खेला करें जिस तरह उन्होंने सेफ खेला। दूसरा ये कि बेस आप दोनों ने जो गड़बड़ की हुई ये की है कि आपने नेक को बिल्कुल छोड़ दिया, ये हमारा फेस है यहाँ तक, मतलब नेक लाइन जो है वो भी आपका जो है चेहरा ही कहलाता है। दूसरा आपने बिल्कुल कॉन्टोरिंग या ब्लश ऑन क्यों नहीं लगाया, दिल नहीं कर रहा था क्या ब्लश क्यों नहीं लगाया, इतनी क्यूट लगती ब्लश, बता दो हमें आवाज़ आ जाएगी, कोई बात नहीं। टाइम नहीं, टाइम नहीं, इतनी देर तक अभी हम गप्पे मार रहे थे, झूठ मैं सुनूंगी नहीं आगे कुछ, टाइम नहीं था। आप वैसे तो बड़ा सच तुमने बोला है, इसके बाद में टाइम नहीं था। एंड अगेन इन्होंने भी सही कहा कि लिप कलर जो है ना वो थोड़ा सा, एक तो वैसे लिप की शेप भी नहीं दी, लिप कलर भी तुमने वो कर दिया, इनका अगेन कदरे बेहतर वही वाली बात है, लेकिन इन्होंने वही नेक लाइन बिल्कुल छोड़ दी। आंखों में इन्होंने बड़ा सेफ खेला। आई लव द वे यू अप्लाइड ये मस्कारा, क्योंकि अच्छा जो लड़कियां, एक और चीज, जो लड़कियां जो है ना लेंसेज लगाती हैं ना, कोशिश किया करें कि वो अपना मेकअप हल्का ही रखें, क्योंकि वो वरना एकदम से खौफनाक सा लगता है। हाँ, लेंसेज इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि लेस मेकअप हो जाए, और अगर आपको ड्रामेटिक और हैवी मेकअप करना है, ब्राइड्स के लिए भी मैं कहूँगी प्लीज डोंट अप्लाई लेंसेज, आप लेंसेज, क्योंकि आपको ड्रामेटिक मेकअप मज़ेदार नहीं लगता, खौफनाक लगता है। मैं ऐसे कहती हूँ इंस्टा लुक ना, वो एकदम से इंस्टा लुक में सही बात है। और बाकी जो इनका लिप कलर भी अच्छा है, कॉन्टोर्ड इट्स ऑल राइट, ज़्यादा वो नहीं इन्होंने किया हुआ ब्लश ऑन, बस ठीक लगाया हुआ, सही नहीं लगाया, और कलर भी बहुत लाउड कर दिया। छोटे से ब्रेक के टाइम में थोड़े से ज़्यादा, तभी तो बेचैन हो रही थी है ना, छोटी छोटी से ब्रेक के टाइम, वो समझ आ जाती है होस्टिंग की हुई है, यू अंडरस्टैंड। छोटी सी ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि ये जो है ये छोटी मोटी गलतियाँ हम सब करते हैं, इसको ठीक कैसे करना है, घर में आपने किस तरह जो है कम मेकअप, अच्छा मेकअप और आप खूबसूरत भी लगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारे एक्सपर्ट्स आ गए, ठीक है जी, आ गए तो अब हमने देखना है कि क्या लुक जो है आपने
डिसाइड की है। चलो रुखसाना मैं यहाँ हूँ तो मुझे बताइए इनके लिए आपने क्या लुक डिसाइड की है, कैसी लुक हम देंगे? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छा हाँ जी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देनी है और क्यूट सी लुक देनी है, क्योंकि हमारी मॉडल भी बहुत क्यूट सी हैं, प्यारी सी हैं, तो इनको उसी तरह से सॉफ्ट लुक देनी है, पिंक का टच रखना है और बाकी ज्यादा ज्यादा मेकअप नहीं, बस थोड़ा थोड़ा और वो जो गलतियां थी वो अब हम साथ में ठीक करेंगे, वो भी ठीक करेंगे। सबसे पहले इनकी फाउंडेशन आपने चेंज की है? फाउंडेशन मैंने अभी बिल्कुल इनकी क्लिंजिंग कर दी है, ठीक है, और बस टोनर लगाया। ठीक है हाँ जी, तो अब जो है आप नई फाउंडेशन चूज करेंगे, वो नहीं लगाएंगे जो इन्होंने खुद लगाई? नहीं नहीं, मैं डिफरेंट लगाऊंगी क्योंकि इन्होंने बहुत लाइट कलर चूज किया, वो ग्रे हो गया, हो जाता है। सही, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। नाज़िया आप बताइए मुझे, मैं क्योंकि इनकी स्किन जो है अजीब कॉम्बिनेशन है, यहाँ से जो इनकी स्किन को दिखाती है, यहाँ से इनकी ड्राई है और ये कहती है साइड करेगा इनका ऑयली है, तो मैं इनको दो टाइप की जो है बेस लगाऊंगी, जिसमें यहाँ इनका जो है वो थोड़ा सा ऑयली हो और यहाँ से थोड़ा सा इनका ड्राई हो, और नेक कवर करूंगी साथ में बहुत सॉफ्ट सा लुक, क्योंकि हम डे लुक दे रहे हैं एवरीडे, ताकि हर कोई समझ सके कि हमें किस तरह से एवरीडे मेकअप करना है। ठीक है, तो एवरीडे मेकअप जो है ना वो होगा। ठीक है, अच्छा आप हाँ जी जी आप पहले नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, मैंने पूछना था कुछ फिर पहले पूछो पूछो। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि एवरीडे लुक में हम ज्यादा हैवी कॉन्टोर नहीं करते, हम बस लाइट से कवरेज करके, तो जिनके राउंड फेसेस है या जिनका थोड़ा लंबा फेस है, थोड़ा चकोर फेस है, उनको तो जबरदस्त सवाल है ना, उनको ऊपर क्या करें? बिल्कुल करना चाहिए सब कुछ, आपका एवरीडे मेकअप मतलब है कि एक तो सेफ मेकअप होता है, तो हम थोड़ा सा सेफ मेकअप भी बताएंगे कि क्या करना है। मैं थोड़ा सा सेफ नहीं करूँ क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, तो आप कंट्रोल करें, बिल्कुल करें, लेकिन हमें क्या करना होता है कि आंखें थोड़ी हल्की और लिप कलर थोड़ा हल्का, तो क्या होता है मेकअप आपका हल्का लगेगा, जहाँ आपने लिप कलर डार्क किया वहां से लगेगा ओह कितना आपने ज्यादा मेकअप किया हुआ है, और जहाँ आपने लिप कलर अपने हल्का किया वहां पे वैसे ही ऐसे लगता है कि आपका मेकअप मेकअप जो हल्का हो गया। फिर जिस तरह आपने लेंस का भी बताया, लेंस का लेंस से एकदम से आपका जो है आपका आधे से ज्यादा मेकअप लेंस आपका कर देता है, तो आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट और कंटूर भी शार्प नहीं करना चाहिए, शार्प ना चाहिए लेकिन आप कर ले, क्योंकि स्पेशल मैं अपने भी फेस को देखती हूँ, मुझे लगता है मेरा फेस थोड़ा सा लंबा है, तो मैं उसको जो है बेशक मैं यहाँ पे कॉन्टोर ना करूँ या हैवी ना करूँ या मैं क्रीम कॉन्टोर ना करूँ, हल्का सा मैं ब्रॉन्जर जो है वो यहाँ पर ये जगह डार्क ना किया करो। अच्छा मैं छोटा करने के चक्कर में नहीं, मत करो छोटा, आजकल तो इतना फैशन है इस चीज का, मुझे पता है लोग चिन्ह बनवा रहे बनवा रहे होते हैं अपनी अलग से चिन्ह बनवा रहे, और मैं उन्हें कहती हूँ अल्लाह इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुंह दिए क्यों लंबा कर रहे हो, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, स्पेशली ये जो एक फिल्टर है, एक फोन है उसमें एक फिल्टर है जो आपका मुंह ना यूं खींच के लंबा कर देता है, अब वो फिल्टर इसलिए बनाया गया है कि जो आपके चीक्स है वो अंदर चले जाए और आपकी फेस को एक एंगुलर लुक दे, जब मुझ पर वो फिल्टर लगता है तो मुझे लगता है मेरी चिन बस जमीन पे पहुंच गई, तुम्हारी चिन खूबसूरत जो है, तुम सोचो नेचुरली कितनी प्यारी हो तुम। लच्ची बस थैंक यू, बस मैं अब बात ही नहीं करूंगी, ठीक है, मेरी तारीफ ही होती है आगे से। अच्छा हम लोग इस पे क्या बेस यूज कर रहे हैं? बेस डार्क करूंगी, बेस का नंबर नहीं नहीं लिक्विड या वो लिक्विड करेंगे, लिक्विड बेस यूज करेंगे, लिक्विड कर, ठीक हो गया। और नाज़िया आप क्या यूज कर रही हैं? आप भी साथ साथ बताइए। मैं इस पे जो है फुल कवरेज यूज कर रही हूं, जो थोड़ी सी ऑयल बेस है। अच्छा इसके ऊपर एस्टिल ऑर्डर का है ये। अच्छा एस्टिल ऑर्डर की फुल कवरेज भी होती है, मैं तो जब भी डबल कवरेज है तो लाइट बेस होती है। नहीं नहीं दिस इज वेरी गुड, स्पेशली इस्लामाबाद के वेदर के लिए तो बहुत जबरदस्त है ये। अच्छा ये क्या है, ये ड्राई फिनिश बेस? नहीं 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 ये ऑयल होता है, ये ऑयल ऑयल बेस होता है ये सारा, और क्योंकि इनकी ये वाली जगह ड्राई है तो इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ, और साइड पे मैं ये जो है ना वो मैक यूज करूंगी ताकि ये थोड़ा सा बेहतर कवरेज इसकी आ जाए, ठीक हो दोनों की। अच्छा मैंने ये जो एप्लीकेशंस होती है ना, जो एप्लीकेटर्स है उसकी भी मुझे बताइए कि क्योंकि बड़ा मशहूर हुआ है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर इज रियली गुड, पता है क्या, देखो बेस बेस पे डिपेंड करता है, अगर आप उसको क्रायलॉन की स्टिक पे लगाएंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा वो, अच्छा ठीक है, अगर आप उसको जो है मैक की लिक्विड बेस पे लगा, मैक की लिक्विड बेस पे अच्छा है, या आपको उसको बिठाना है अच्छे तरीके से मैक के बेस को या हुदा के बेस को या ऐसे जो जरा से लिक्विड ही फॉर्म में है उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन अब मैं अगर एस्टी लॉडर का डबल कवरेज जो इसको करूंगी तो नहीं नहीं काम करेगा, तो इस पे फिर एक मुखी काम करेगा। सही। अच्छा मुझे वैसे यूजुअली पर्सनली मुझे एक जमाने में ब्यूटी ब्लेंडर बहुत पसंद था, हाँ हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर जो जो फ्लॉलेस फिनिश ब्रश से आती है ना वो, हाँ वो उससे हालांकि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर अगेन स्किन टू स्किन बात है यार, बाज दफा ऐसी स्किन्स होती है जिनके ऊपर बेस बैठ ही नहीं रही होती है, तो फिर आपको जो यूज करनी पड़ती है वो चीजें, फिर तो आप कहीं नहीं गए ना, फिर तो आपको सब चीजें ये जितनी भी चीजें होती है यूज करना होता है। मैं एक दफा सेफोरा गई
तो एक उनकी बेस है, मुझे बहुत ज्यादा वो ब्रांड पसंद है, इट्स एन ऑर्गेनिक ब्रांड टार्ट, सबने उसको सुना होगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसकी कोई चीज जो है ना वो मेरे मुंह को भाती नहीं है। अरे ठहरती नहीं है वो, तो वो ठहरती नहीं, मतलब इतना ऑर्गेनिक है, हमारे ऊपर नहीं ठहरता वो, वो, वो अंग्रेजों पर ठहरता है वो, ठहर जाता है वो, इतनी ऑर्गेनिक है, उसके चलो आई शेड्स लगा लो वो ठीक है, लेकिन उसकी बेस जितनी मुझे पसंद, उसके अंदर पता नहीं अमेजोनियन क्ले यूज हुआ है ये वो। अब मैं उसको कह रही हूं, मैंने कहा बहन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन मेरे मुंह पे कैसे ठहरेगा मुझे बता। तो उसने मुझे एक ट्रिक बताई कि ये जो एक तो इतना बड़ा उसके पास ब्रश था, ठीक है, इट्स क्वाइट बिग, और उसने कहा कि ये आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट लगा के और ज्यादा सारा प्रोडक्ट, मतलब तो देख के मुझे डर लग गया ना, तो उसको अपनी अपनी स्किन के अंदर ऐसे दबा के ब्लेंड करना है। अच्छा हाँ, तो फिर अच्छा वो उस वक्त मैंने देख भी लिया, मुझे समझ भी आ गई, फिर मैंने कहा लेकिन ये अगर हम रोज करें तो पोर्स का पता नहीं क्या हाल हो ना, फिर उसके साथ फिर प्रॉपर क्लेंजिंग, बहुत ज्यादा फिर क्लेंजिंग की भी और करनी वैसे चाहिए भी क्लेंजिंग, मैं तो चाहती हूँ कि क्लेंजिंग जो है वो करनी चाहिए एवरी डे के लिए भी। देखो अब इनकी स्किन को भी मैं हाथ लगा रही हूँ, मुझे हल्का सा रफनेस जो है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल स्किन। वैसे तुम्हारी स्किन जो है ना वो ड्राई नहीं है बेटा, ऑयली है। वहाँ जहाँ आपने कहा ना ड्राइनेस, वो मुझे नहीं पता कि तुम उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती हो इसलिए ड्राई आता है, लेकिन थोड़ी सी ना वो ऑयली है। क्योंकि ये जो इन्होंने डायमेंशंस बताए ना यूजुअली होते भी नहीं होते है। नहीं है आपकी टी जोन हमेशा ऑयली होती है, इनकी कंप्लीट ऑयली है, इनकी कंप्लीट ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए आप अच्छा टोनिंग का क्या फ़ायदा है? टोनिंग का बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए कि आपके अंदर जो ऐसे ऐसे पोर्स के अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं जो किसी चीज़ से उतरते भी नहीं, वो भी एक तो वो साफ़ कर देता है, और दूसरा ये कि आपकी स्किन को वो ऑयल ऑयल तरह का, मतलब आपको वो ड्राइनेस नहीं देगा, हल्का सा ऑयल उसमें बेस भी वो देगा, मतलब आपको स्किन को फ्रेश टोन्ड अप कर दे। टोन्ड अप को क्या कहेंगे, किस तरह से इसको यूज करेंगे? अच्छा टोनिंग मतलब उसके लिए भी ड्राई स्किन के लिए अलग है और ऑयली के लिए अलग है? हर स्किन के लिए अलग अलग चीज होती है, आप एक ही चीज हर एक पर यूज नहीं कर सकते, बस ये वाली एक चीज है, अपनी स्किन टाइप पहले देखें क्या है। स्किन टाइप देखो, टोनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक इनको एक्सपेरिमेंट बताया था, अगेन हमारे यहाँ ना लोग इतना, हमारे यहाँ मैं बुराई नहीं कर रही बिल्कुल भी, मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, बड़ी मेरी हेल्प की है, उन्होंने बहुत मेरा खर्चा कराया है बता बता के, नए नए प्रोडक्ट्स दिखा के। देखो लेकिन क्या स्किन का जबरदस्त करा है ना, है ना, लेकिन वो एक चीज जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है ना वो ये, आप ये वाला प्रोडक्ट ले लें सब गोरी लगेंगी, ये क्रीम ले लें सब गोरी हो जाएंगी, नहीं नहीं इससे आपकी स्किन डल हो रही है, आप थोड़ी लाइट बेस ले लें, आप थोड़ी ये ले लें, वो जो आगे पीछे वाली बातें होती है ना वो नहीं बताया। जिस तरह टोनिंग का जो है कि आप जब मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं अपनी स्किन को, तो वो मॉइस्चर आपकी स्किन के अंदर नहीं जा रहा, जब तक आपने क्लेंजिंग और टोनिंग नहीं की तो वो क्रीम ऊपर ऊपर पड़ी हुई है। यस, जब आप वो डेड स्किन और जब वो आप वो डिब्री और वो जो ऊपर पूरा सारा कुछ पड़ा हुआ है स्किन के, जब तक आप वो नहीं हटाएंगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। सेम इज विद तेल, हम लोग कब तेल लगाते हैं जब बाल गंदे हो जाते हैं नहाने से पहले, तो जब ऐसे पोर्स आपके ब्लॉक, तो उसमें तेल ने क्या करना है, तेल भी साफ बालों पे जो है वो लगाएं तो बिल्कुल अच्छा। ये तेल का आपने बड़ी अच्छी बात की है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बताया कि तेल कभी भी वाकई गंदे बालों में यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप एक दिन जो है बालों को वॉश आप कर रहे हैं तो आप उनको एक दिन वैसे ही वॉश करें, फिर आप नेक्स्ट डे तेल लगा लें तो वो भी आपके लिए अच्छा। बालों को मसला होता है, हमारे बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं माशाल्लाह से, अच्छी बात है। और ऊपर से मतलब जिस तरह की कराची की ह्यूमिडिटी है बिल्कुल वैसे वो फटे रहते हैं। अच्छा दूसरा ये कि जिस तरह आपने बताया था ना कि वो के मिनरल वाटर की बॉटल आप डाल दें और आप देखें, देखिए इसी तरह ही आपके बालों की स्किन भी अलग है। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर जिस तरह हमारे वहाँ पे पानी का मसला होता है ऑलरेडी कि पानी सही नहीं है, तो मैं शैम्पू ही ऐसा यूज़ करती हूँ जिसमें ऑयल बेस है ऑलरेडी। अच्छा, अच्छा। तो मुझे जल्दी है, मैं ऑयल नहीं लगा सक रही हूँ, तो उससे ऑयल वो स्कैल्प, मेरी ड्राई स्किन है ना, ड्राई स्कैल्प, अब जिसकी ऑयली स्कैल्प है वो तो नहीं यूज कर, मेरी इतनी ड्राई स्कैल्प है हाँ, तो फिर मुझे तो यूज करना पड़ता है। तो वो मेरे लिए जिस तरह मेरी स्किन टाइप के लिए अच्छा है, मेरी बालों की भी स्किन है उसके लिए वो अच्छा है। तो ये चीजें जो ये अगेन मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए, चाहे मेकअप हो, चाहे कोई टोटका हो, चाहे कोई भी चीज हो, योर स्किन टाइप इज इंपॉर्टेंट, योर स्किन टाइप सो इंपॉर्टेंट। और ये सबसे पहले आपने यही चीज डिटरमिन करनी है। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये अपनी लुक भी कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग, अच्छा जी कहाँ तक पहुंचा है हमारा मेकअप, जरा बताइए हमारे एक्सपर्ट्स
अर्ज़ा आप बताएं पहले। मैंने बेस कर लिया, कॉन्ट्रोल मैंने इनका जो है वो कर लिया फेस को, और साथ में अब इनका आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप एक खास बात इनकी मैं बताती हूँ कि आई मेकअप जो है ना ये इनकी आँख क्योंकि यहाँ से दब रही है इधर तक, आपने जो है ना इसको बिल्कुल लाइटर टोन देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल लाइटर टोन दिया है और यहाँ पर इनका ज़रा डार्क दिया क्योंकि ये जगह इनकी उभर रही थी, तो यहाँ पर जो है ना वो जरा सा डार्कर टोन इनका दिया, ठीक है। अभी इनका बाकी सॉकेट बन गया, मतलब आपने बनाया है ये देखो हल्का सा सॉकेट बन गया। अच्छा, उस पर जरा लाउड नजर आ रहा है और मैंने जरा सॉफ्ट किया है इसमें। नहीं अभी वो भी होगा ना, ब्लेंड भी होगा। नहीं नहीं ये वो इधर देखे तो वो जरा इसको नॉर्मल है, मुझे वो थोड़ा टीवी के हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी ये कि इनका जो है अभी बाकी आईलाइनर और लिपस्टिक वगैरह और इनकी जो है ना बाकी सारी चीजें भी हम फिनिशिंग देनी है, ग्लो थोड़ा सा देना है, शाइनर बड़ा लुक है, हाईलाइटर तो आजकल हुआ है बिल्कुल। इतना मुझे पसंद है। अच्छा, आंखों के नीचे मैंने बहुत सॉफ्ट सा इनका जो है ना ये एक लुक दिया क्योंकि डे वेयरिंग लुक है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं देना चाह रही हूँ बिल्कुल भी। ठीक, अच्छा मैं बड़े मजे की बात बताऊँ, मैंने उस दिन एक वीडियो देखी और आपने देखा होगा चाइनीज या ये थाई या ये जो आंखें होती हैं उनका सॉकेट नहीं बना हुआ होता, देयर वेरी हां उनको हुडेड आईज कहते हैं शायद, एंड आई डोंट नो। नहीं नहीं, उसका उसका एक कुछ और ही नाम है बिल्कुल, नहीं कुछ होता है और वो ना क्योंकि उसमें ना स्पेस नहीं होती, इट्स जस्ट वन फ्लैट, तो उनके पास एक ऐसे हुड सी बनी हुई होती है आंख की प्लास्टिक की, वो उसके ऊपर ग्लू लगाते हैं, वो उसको यूं करके अंदर करते हैं और वो यूं चिपक जाती है, ठीक है। तो उससे ना वो उनकी आंख जो है वो ग्लू होके अंदर चली जाती है और उसके बाद उसके ऊपर मेकअप करते हैं तो वो खुल जाती है। दैट इज सो गुड, देखो तुमसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये मजे की बात इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक शॉप खुली है, इट्स अ जापानीज शॉप, ठीक है। अब मैं वहां गई, वहां पर ये चीजें इतनी सारी लटकी हुई ग्लू वाली ना कि ये अब हुडेड ग्लू और ये वो, मैं उसके पीछे इन्फॉर्मेशन पढ़ूँ वो भी जापानीज़ में, मुझे कुछ समझना है वहाँ की। मैंने जो वर्कर्स थे उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा मैडम कोई मेकअप का सामान है हमें भी नहीं पता। फिर मैंने आके जो है घर सर्च की, मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है, तो मुझे पता चला कि ये जिनकी बिल्कुल लिड नहीं होती है तो वो उसके अंदर वो ग्लू से लगा देते हैं, उससे भी आर्टिफिशियल लिड बन जाती है। अरे वाह, कोई ऐसी चीज नहीं जो हम इंसानों ने छोड़ दी कि हम आपको हर चीज जो है ना बनाना सिखा देते हैं। मैग्नेट आईलैश होती है? नहीं नहीं, आईलैश नहीं होती वो लिड होती है, मतलब वो ऐसे प्लास्टिक सी चीज होती है बिल्कुल जैसे हम लोगों की लिड नहीं बनी हुई, वो ग्लू से यूं अंदर करके चिपक जाती है। वीडियो देखिए ना, तो वो जिनकी ये वाली जो ये वाली स्पेस है, जैसे मेरी आंख के ऊपर एक स्पेस है हुड है जिसपे मैं मेकअप करती हूँ, जिनकी ये नहीं होती ना तो वो यूं करके चिपकाते हैं और वो अंदर कर देते हैं आंख को और फिर उसके ऊपर मेकअप करते हैं, तो बड़े मजे की चीज थी। मैं बड़ी हैरान, मैग्नेट लैशेज आ गई हैं। फिर एक और मैंने बड़े मजे की जो है वो चीज देखी कि ये जो बर्न विक्टिम्स होते हैं तो उनकी फिर दोबारा वहाँ पे हेयर ग्रो नहीं करते, तो उसके लिए एक स्पेशल किस्म की ग्लू आती है कि वो आप वहाँ पर लगाइए, उसके ऊपर फिर आप पेंसिल से पूरी आईब्रो बना सकते हैं, तो वो जो है वो बन जाती है एंड इट लास्ट फॉर 2-3 डेज कि जिन्होंने परमानेंट वो नहीं। फिर वो आ गई है उसको क्या कहते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, जिससे आपकी पूरी की पूरी जो है वो आईलैश बन जाती आईब्राउ बन जाती है। तो सब कुछ हमने जो है ना कुछ छोड़ा नहीं है, परेशानी की जरूरत, अगर आपके पास पैसा है तो आप खूबसूरत है। अब वो कुदरती खूबसूरती जो है ना वो पीछे रह गई। नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो आप खूबसूरत रहेंगे, अगर आप पास पैसा नहीं है तो आप अपना शुरू से ख्याल रखें आप खूबसूरत रहेंगे। हाँ, मतलब वो वाली बात तो मैं कहती ही हूँ ना कि मतलब सीरत तो खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी नहीं नहीं मतलब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप जिस तरह 16 के हैं, आपने उस तरह से अपने क्लेंजिंग प्रॉपर की है, अपने आपको सफाई रखी है, आपने मेकअप के बाद साफ कर रहे हैं चेहरे को, कॉलेज के बाद आने के बाद आपने चेहरे को साफ रखा है, तो आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में भी साफ, लॉन्ग टर्म में साफ, वरना आप जल्दी आप एज जल्दी कर जाएंगे। लेकिन नाजर वो लोग क्या करें ना जिनको इतने बड़े बड़े होंठ चाहिए हैं और बिल्कुल एक डॉट जितनी नाक चाहिए है, तो मुंह उनका बिल्कुल उनके लिए भी पैसे की जरूरत है बेइंतहा ना, कि वो स्कल्प्ट करके आपने अपने चीक्स बाहर निकालने हैं, तो चिन गायब करनी है, तो आईब्रोज ऊपर उठानी है, तो आंखों के अंदर नई नई लिड्स लगानी है, तो सब पॉसिबल है। मतलब अगर आप लंदन में जाते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, वहाँ पर आपको 90% एक जैसी लड़कियाँ नजर आती हैं। एग्जैक्टली, सो ट्रू। एवरीबॉडी अरबी, जो अरबिक लड़कियाँ सब जो है ना उन्होंने सबसे ज्यादा कराया होता है। एवरीबॉडी इज द सेम, और आपको ऐसा लगता है कि रोबोट वर्ल्ड में आ गए ना, हर कोई एक ही जैसा, रोबोट सीन, सही कहा, रोबोट वर्ल्ड भी, और ना वही उनकी आंखों का वो होंठ ऐसे और सब एक जैसे, यू नो, और कोई एक्सप्रेशन नहीं चेहरे पे, आप एक्सप्रेशन स्किल हो जाते हैं इसको करने के बाद कि अच्छा ये एक्ट्रेस के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत एक्ट्रेस नहीं करा सकते, जो कराते भी फिर क्योंकि हम एक्टर का एक मैं बताऊं, टीवी पे जो सीन है ना सिनेमा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो टीवी का सीन होता है वो वैसे ही बड़ा फ्लैट लुक होता है, तो टीवी पे फिर भी चल जाता है, पर होस्ट नहीं करा सकता,
होस्ट नहीं करा सकता। होस्ट कराता है तो फिर क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, फिर हम परेशान भी होते हैं, क्या हो गया अच्छा वाकई, क्योंकि आपकी कोई वो तो है तो नहीं। ब्रेक का टाइम, छोटी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।